हेलो नमस्कार मित्रों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको समय से अब सारे टॉपिक आपको कराए जा रहे, बात करें साइंस की, पॉलिटी की बात करें, रीजनिंग की बात करें, मैथ की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, हिंदी की बात करें, ग्रामीण विकास की बात करें, यानी कि सारी चीज़ें अब आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है। तो आज हम आप पढ़ने वाले हैं क्या, पॉलिटी यानी कि संविधान। आज हम पढ़ेंगे संविधान। संविधान में पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, निर्वाचन के बारे में, इलेक्शन के बारे में पढ़ाया था। भारत में इलेक्शन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कौन सा आर्टिकल इसके लिए हमारे पास है, और निर्वाचन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है, उनकी योग्यता होती है नहीं होती, उनकी नियुक्ति कौन करता है, भारत में वोटिंग डालने का अधिकार किसे प्राप्त है, उसकी एज क्या होती है, ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में पढ़ी थी। एक बार क्या करेंगे, क्विक रिविजन करेंगे, इसके बाद आज की अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे। तो पिछली क्लास में बताया था इलेक्शन यानी कि निर्वाचन। भारत में इलेक्शन किस भाग में, सबसे पहले भाग पूछा जाता है, याद रखना इलेक्शन का पार्ट हमारे पास 15 है। भाग 15 में इलेक्शन के बारे में बात की गई कि भारत में इलेक्शन होगा, और साथ ही साथ अगर आर्टिकल पूछा जाए कि आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो याद रखेंगे पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में इलेक्शन का जिक्र किया गया है। अब बात करेंगे भारत में इलेक्शन किसका किसका होता है, तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का और विधानसभा का भारत में इलेक्शन कराया जाता है। इलेक्शन कमीशन कब बना था, 26 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की शुरुआत होती है, यानी कि निर्वाचक जो मंडल होता है उसकी शुरुआत होती है। बात करेंगे वर्तमान में हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस यानी कि वोटर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, बताया था 2011 से हुई थी, और हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 25 जनवरी को क्या होता है, 25 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी को तो हमारे यहाँ रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस होता है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की जाती है, और 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, वोटर्स डे मनाते हैं। बात करेंगे इसमें कि जो यहाँ पर हमारे पास 324 में किसके बारे में जिक्र है, 324 में बताया गया कि निर्वाचक मंडल होगा, इलेक्शन कमीशन होगा, उसका जिक्र किया गया है। 324 के सेकंड में ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जो होगा इसमें कौन कौन व्यक्ति होगा, तो बताया था कि एक हमारे पास चीफ इलेक्शन कमीशन होता है यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, दो हमारे पास अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, साथ ही साथ अन्य कई सारे सदस्य होते हैं। इनकी योग्यता की बात करें, किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं होती है, ये शपथ नहीं लेते हैं, साथ ही साथ इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और ये कब तक अपने कार्यकाल पर रहते हैं, 6 या 65, जो भी पहले हो, 6 साल या 65 साल, यानी 65 साल के पहले इन्हें रिटायर होना पड़ता है। फिर बताया था कि 325 आर्टिकल में बताया था, 325 में क्या बताया था, नामावली के बारे में बताया गया था कि जो हमारे पास इलेक्शन कराया जाएगा उसकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी, लिस्ट किस आर्टिकल में, 325 में, और ये बताया गया था इसमें कि धर्म के आधार पर, मूल के आधार पर, वंश के आधार पर, किसी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। 326 की यदि बात करें, 326 में बताया था कि वयस्क मताधिकार का जिक्र किया गया है। वयस्क मताधिकार क्या होता है, वह व्यक्ति जो 18 साल का वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में जो 18 साल का हो जाता है और मतदाता सूची में उसका नाम होता है, उसके पास में वोटिंग डालने का अधिकार है, ये होता है वयस्क, क्या, वयस्क मताधिकार। लेकिन कुछ समय पहले ये एज हमारी 21 साल हुआ करती थी, तो 1989 में 61 नंबर का एक अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन किया गया, और वहां पर एज कम कर दी गई, 21 साल से 18 साल कर दी गई। वर्तमान में 18 साल का कोई व्यक्ति है तो वो वोट डालने का उसके पास अधिकार है, और वोट डालने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, याद रखेंगे संवैधानिक अधिकार है। तो हमारा अधिकार, वोट डालने का अधिकार हमें संविधान के द्वारा दिया गया, संवैधानिक अपना अधिकार है।
327 की बात करें, 327 में बोला गया है कि लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इन सब के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? याद रखेंगे, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। 328 में बोला गया है कि राज्य स्थानीय स्वशासन होता है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो किसे दिया गया है? राष्ट्र, हमारे पास जो राष्ट्र होते हैं यानी जो राज्य होते हैं, राष्ट्र का जो हमारे पास राज्यमंडल होता है, राज्य विधानमंडल होता है, उसके पास में शक्ति होती है, पावर होती है कि वो कानून बना सकता है। बात करेंगे कि 329 में क्या कहा गया है। 329 में ये बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाए गए जो नियम होगा, जो कानून होगा, इसे न्यायालय नहीं ले जा सकते, न्यायालय में प्रावर्तनी नहीं है, यानी कि इसकी बात सबको माननी पड़ेगी। ये 329 में। इसके बाद में इलेक्शन कमीशन के काम क्या होते हैं? लिस्ट तैयार करना, चुनाव चिन्ह देना, परिसीमन करना, टीवी पर रेडियो पर प्रसारण करना, कहीं पर भी इलेक्शन को कैंसिल करना, वहाँ की जांच पड़ताल करना, ये सारा काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। इतना सब कुछ पिछली क्लास में पढ़ा था, रिवाइज करा दिया, और आज हम शुरुआत करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे इमरजेंसी, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। भारत में आपातकाल कब लगाया जा सकता है, कितनी बार लगाया गया और किस कंडीशन में इमरजेंसी लगती है, वो चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपातकाल क्या होता है, यानी कि इमरजेंसी क्या होती है। इमरजेंसी की बात करेंगे। इमरजेंसी कई बार सुनते हैं, हमेशा जिक्र आता है। अभी हाल ही की बात करें, जैसे श्रीलंका ने अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया था, आपातकाल लगा दिया था। करंट का क्वेश्चन बनेगा आपकी, बताइए अभी हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ इमरजेंसी लगाया था? श्रीलंका ने लगा दिया था, हालांकि अब हट गया है, लेकिन श्रीलंका ने इमरजेंसी लगाया था। तो श्रीलंका ने क्यों अपने यहाँ इमरजेंसी लगाई, ऐसा क्या कारण था, इस चीज़ से भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इमरजेंसी होती क्या है? इमरजेंसी का मतलब जब हमारे देश में कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक कर दे, इमरजेंसी लगाई जाती है। साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट अच्छे से काम ना कर पा रही हो तो भी हम क्या करते हैं, इमरजेंसी लगा देते हैं। कोई हमारे पास किसी क्षेत्र में आतंकवादी आकर घुसपैठ करता है, वहाँ पर इमरजेंसी लगा देते हैं, ठीक है। ये कंडीशन होती है इमरजेंसी लगाने की। तो भारत में इमरजेंसी तीन प्रकार की लगाई जाती है। अभी सारे प्रकार देखेंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला एक होता है हमारे पास सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण। कोई विदेशी हमारे ऊपर आक्रमण करता है उसको बोलते हैं बाह आक्रमण बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारे पास होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन सुना होगा कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ये सारी चीजें सीखेंगे। एक हमारे पास आता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आपातकाल या इमरजेंसी, क्योंकि हमारे संविधान में कहीं ना कहीं हर देश से कुछ ना कुछ लिया गया है। कहीं से DPSP लिया गया है, कहीं से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, कहीं से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, कहीं से राष्ट्रपति के बारे में लिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं से एडॉप्ट किया गया है। तो बताइए इमरजेंसी यानी आपातकाल भारत में कहाँ से लिया गया है? याद रखेंगे, भारत में कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। तो ये पहला ही क्वेश्चन अपना सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है कि बताइए भारत में इमरजेंसी, भारत में आपातकालीन व्यवस्था किस देश से ली गई, किस देश के संविधान से ली गई, आपको बताना है जर्मनी से। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आपातकाल कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल की बात करेंगे, भारत में आपातकाल कितने प्रकार का लगता है, याद रखेंगे भारत में आपातकाल कितने प्रकार का लगता है, तीन प्रकार का लगता है। कौन कौन सा? एक होता है बाह आक्रमण, बाह आक्रमण यानी कि जब दूसरा देश हमारे ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, बाह आक्रमण बोलते हैं, आक्रमण। या फिर क्योंकि पहले इसका नाम हुआ करता था बाह आक्रमण, अब इसका नाम बदला गया है, अब इसे बोला जाता है सशस्त्र विद्रोह। क्या बोला जाता है? सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह।
कब से क्या हुआ अभी सारी चीज सीखेंगे। तो पहला होता है जब बाहरी कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, अटैक करता है। दूसरा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट रूल बोलेंगे। तीसरा हमारे पास क्या होता है? तीसरा हमारे पास होता है वित्तीय आपातकाल। क्या होता है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल यानी वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो भारत में कितने प्रकार का आपातकाल लगता है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए भारत में कितने प्रकार का आपातकाल लगता है या लग सकता है। तो याद रखेंगे भारत में तीन प्रकार की आपातकाल है, बाहरी आक्रमण हो जाए, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। अब तीनों के बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, बाहरी आक्रमण क्या होता है, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, वित्तीय आपातकाल क्या होता है, बात करेंगे। ठीक है, और याद रखेंगे जो हमारे पास इमरजेंसी है, आपातकाल है, इसे संविधान में कहां पर जगह दी गई है, इसके लिए कौन सा भाग है। सबसे पहले तो भाग पूछा जाता है, याद रखेंगे इसके लिए भाग हमारे पास कौन सा है, 18। कौन सा है? 18। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमरजेंसी आपातकाल भारत के किस संविधान के, भारत के संविधान के किस भाग में दिया गया है, किस इसमें पार्ट में दिया गया है, आपको याद रखना है भाग 18 में। जब भाग 18 की बात हो गई, अब हम चर्चा करेंगे इसमें कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल कहां से कहां तक है। याद रखेंगे तो अगर आपातकाल की बात करें तो ये हमारे आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करेंगे तो किस अनुच्छेद में, याद रखेंगे 352 से लेकर 360 तक, 352 से लेकर 360 तक, ये चीज आपको याद रखनी है। तो भारत में इमरजेंसी किस आर्टिकल में है, 352 से लेकर 360 तक है। भाग कौन सा, 18 है। किस देश से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। भारत में कितने प्रकार का इमरजेंसी लगाया जा सकता है, तीन प्रकार का, बाहरी आक्रमण, राष्ट्रपति शासन की बात करें, प्रेसिडेंट रूल की बात करें, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल की बात करें, तो तीन प्रकार का लग सकता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे कि जो बाहरी आक्रमण है, बाहरी आक्रमण की बात करें, जो हमारे पास बाह आक्रमण है, इसका नाम बदला गया। पहले हुआ करता था बाह आक्रमण, वर्तमान में क्या, वर्तमान में याद रखेंगे सशस्त्र विद्रोह बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? सशस्त्र विद्रोह। ये कब किया गया, याद रखेंगे इसे कब किया गया था, इसे किया गया था 1978 में। कब किया गया था? 1978 में। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 44-42। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत बाहरी आक्रमण को सशस्त्र विद्रोह का नाम दिया गया। ठीक है, 1978 में 44 नंबर का संविधान संशोधन होता है और उसके लिए बाहरी आक्रमण का नया नाम क्या रखा गया? सशस्त्र विद्रोह बोला गया। क्या बोला गया? सशस्त्र विद्रोह। बताइए यहां तक चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसके बाद भी हम बात करेंगे कि भारत में ये जो बाहरी आक्रमण की बात करेंगे, सशस्त्र विद्रोह की बात करेंगे, कितनी बार लगा है। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे हम, एक एक करके सारी चीज सीखेंगे। अब हम सीखने वाले हैं कि जो हमारे पास सशस्त्र विद्रोह की बात करेंगे या बाहरी आक्रमण की बात करेंगे, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह या बाह आक्रमण, ठीक है, वर्तमान में ये नाम है, या फिर हम बोलेंगे बाहरी आक्रमण। तो बात करेंगे भारत में सशस्त्र विद्रोह यानी बाहरी आक्रमण की बात करेंगे, ये भारत में इमरजेंसी कितनी बार लगी है, आपको बताना है तीन बार लगी है। कितनी बार लगी है? तीन बार। कब कब लगी है? तो एक सन आपको याद रखना है 1962 में, दूसरा सन आपको याद रखना है 1971 में, और तीसरा सन याद रखना है आपको क्या, तीसरा याद रखना है 1975 में, 1975 में। ये तीनों आपको याद रखने हैं, 1962 में, 1971 में और
1975 में भारत में 3 बार बाहरी आक्रमण यानी कि सशस्त्र विद्रोह कह सकते हैं, ठीक है। और सशस्त्र विद्रोह को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल भी बोलते हैं, याद रखेंगे। उसका एक नाम और है क्या, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। एक को बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा क्या होता है, वित्तीय आपातकाल, क्या होता है, वित्तीय आपातकाल, यानी कि उसे राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं। सशस्त्र विद्रोह जो होता है उसको बोलते हैं क्या, राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, क्या बोलेंगे, नेशनल इमरजेंसी। इसे हम क्या बोलेंगे, आप इसे ये भी लिख सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो लिखेंगे नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आपातकाल। तो भारत में नेशनल इमरजेंसी की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, कितने बार लगाए, 3 बार, 1, 2, 3। 1962 में, 1971 में और 1975 में, ठीक है। 1962 में किसके साथ हमारा युद्ध होता है, याद रखेंगे, चाइना के साथ में, किसके साथ में, चाइना के साथ में। 1971 की बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ होता है। और 1975 की बात करें, ये होता है हमारे पास आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, ठीक। यानी कि अगर ये आपसे पूछा जाए कि बताइए नेशनल इमरजेंसी यानी कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, आपको बताना है 3 बार लगा है। पूछ सकता है कब कब लगा है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। 1962 में क्यों लगता है, क्योंकि 1962 में हमारा युद्ध हो रहा होता है किसके साथ में, चाइना के साथ में। 1971 में हमारा युद्ध किसके साथ हो रहा होता है, पाकिस्तान में। और इसके बाद 1975 की बात करेंगे, आंतरिक अशांति। ये आंतरिक अशांति क्या होती है, इस समय इंदिरा गांधी की सरकार होती है और इंदिरा गांधी की सरकार गिरने ही वाली होती है, इंदिरा गांधी के द्वारा क्या लगा दिया जाता है, इमरजेंसी लगा दी जाती है, क्या लगा दी जाती है, इमरजेंसी। उसको बोलते हैं आंतरिक अशांति, यानी कि सरकार में ही क्या थी, अशांति फैली हुई थी। तो उस समय ये पावर हुआ करता था कि कोई भी सरकार कभी भी क्या कर सकती है, इमरजेंसी लगा सकती है। हालांकि उसको क्या किया गया, बैन कर दिया गया, रोक दिया गया। तो इंदिरा गांधी ने ऐसा देखा, तो इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया, आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगा दी जाती। तो बताइए इमरजेंसी आपको समझ आया या नहीं आया। अगर समझ आया तो हम बात करेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे, हमारे पास जो आर्टिकल दे रखा है कि 300 हमें पढ़ना है, कहाँ से, 352 से लेकर 360 तक पढ़ना है। इसे यस करते हैं, अब हम बात करेंगे 352 की, अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352 की बात करेंगे। बताइए 352 में क्या है। तो 352 में कि आर्टिकल 352 में क्या लिखा है, 352 में बोला गया है नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। 352 किसके बारे में बताता है, नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, किसके बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, किस आर्टिकल में, याद रखेंगे आर्टिकल डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में है, आपको बताना है 352 में, किस में बताना है, 352। अब आपसे एक ये क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल या इमरजेंसी लगाता कौन है, भारत में इमरजेंसी लगाने का अधिकार किसके पास है। तो आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी की बात करें 352 में है, और 352 के हम क्या करें, 352 के सेकेंड पार्ट में बात करें, अनुच्छेद 352 के दो की बात करें, तो दो में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है ये समाप्त कर सकता है इमरजेंसी को, क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, समाप्त के साथ साथ इसमें बदलाव भी कर सकता है, क्या कर सकता है, बदलाव, स्थिति
के अनुसार उस इमरजेंसी में बदलाव भी किया जा सकता है। स्थिति सही हो जाने के बाद समाप्त भी कौन करेगा? राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी की उद्घोषणा की जाती है, उद्घोषणा की जाती है, और राष्ट्रपति ही क्या करेगा, इसमें बदलाव करेगा और समाप्त करेगा, याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे हम, अब आपसे एक ये क्वेश्चन है, राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाता है, बदलाव करता है, समाप्त करता है, क्या राष्ट्रपति अपने मन के हिसाब से क्या कर सकता है, अपने बुद्धि के विवेक से कर सकता करेगा, या फिर किसी से सलाह लेगा, सजेशन लेने के बाद करेगा? तो राष्ट्रपति अपने खुद के विचार से नहीं करेगा, इसे भी एक मंत्री परिषद बुलानी पड़ेगी, प्रधानमंत्री से सलाह लेनी पड़ेगी, तभी कर पाएगा। यानी कि राष्ट्रपति खुद से नहीं करेगा, करने से पहले कहीं ना कहीं किससे सलाह लेगा? तो अनुच्छेद 352 के थर्ड में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति उद्घोषणा करने के समय, जब उद्घोषणा करेगा तो उस समय क्या करेगा, उद्घोषणा के समय क्या करेगा, वो राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री की बात करेंगे, पीएम की बात करेंगे, प्रधानमंत्री के साथ साथ वह मंत्री परिषद से क्या करेगा, मंत्री परिषद से सलाह लेगा, क्या लेगा, सलाह लेगा, याद रहेगा, सलाह लेगा। यानी कि उद्घोषणा के समय प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद से सलाह लेने के बाद ही राष्ट्रपति क्या करेगा, इमरजेंसी लगाएगा। तो इमरजेंसी लगाने के लिए हमें पहले प्रधानमंत्री से बातचीत करनी पड़ेगी, मंत्री परिषद को बुलाना पड़ेगा, उससे बातचीत करनी पड़ेगी, इसके बाद में राष्ट्रपति बोल देंगे कि इमरजेंसी, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे कि 300 ये हो गया अपना, अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 352 के चार की बात करेंगे। तो 352 के चार में ये कहा गया है कि जब मंत्री परिषद बुलाई जाएगी, प्रधानमंत्री को बुलाया जाएगा, तो इनसे वोटिंग कराई जाएगी, वोटिंग के दौरान विशेष बहुमत से होना चाहिए, तभी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, क्योंकि अपने विवेक से नहीं लगाए। मंत्री परिषद किस लिए बनाई जाती है, उनसे सलाह लिया जाता है। तो याद रखेंगे उद्घोषणा के समय विशेष बहुमत की बात करेंगे। विशेष बहुमत होता क्या है, दो तिहाई सदस्य, विशेष बहुमत का मतलब दो तिहाई सदस्य, ठीक है, दो तिहाई सदस्य, यानी विशेष बहुमत के साथ में उसे पास करना होता है, साथ ही साथ एक माह के अंदर। और ये कहां की बात होती है, ये बात होती है जब विशेष बहुमत जाएगा, कहां पर जाएगा, ये दोनों जगह जाएगा, यानी कि संसद के दोनों सदन में जाएगा, दोनों सदन से पास कराना पड़ता है। यानी कि इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो इमरजेंसी के लिए संसद बुलाया जाता है, संसद में जो उसके मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री परिषद से सलाह ली जाती है, सलाह लेने के बाद में उस बिल को संसद के दोनों सदन में यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में उसको भेजा जाता है और उसे पास कराया जाता है। पास के लिए विशेष बहुमत के साथ में पास होना चाहिए, यानी कि दो तिहाई बहुमत मिलने चाहिए, पक्ष में दो बटे तीन बहुमत होने चाहिए, और साथ ही साथ एक माह के अंदर यानी कि एक महीने के अंदर दोनों सदन से विशेष बहुमत से इसे क्या कराना होता है, पास कराना होता है। इसके बाद में राष्ट्रपति शासन यानी कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, नेशनल इमरजेंसी यानी कि इमरजेंसी लगा देते हैं। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, अब आगे चलेंगे।
ठीक है, यहीं पर लिख लेंगे। क्या अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो राष्ट्रपति शासन है इसकी भी कोई ना कोई एक समय सीमा होगी, कितने टाइम के लिए लगाया जाएगा, एक कहीं ना कहीं सीमा होगी ना, तो समय सीमा इसकी क्या रहती है? याद रखेंगे ये 6 महीना रहती है। क्या रहती है? 6 माह। 6 माह यानी कि राष्ट्रपति जो इमरजेंसी लगाता है, जो आपातकाल लगाता है, वो कितने महीने के लिए लगाता है? 6 महीने के लिए, यानी एक बार में 6 माह के लिए। और स्थिति सही नहीं होगी तो क्या करेंगे, एक बार फिर से 6 महीने को बढ़ा देंगे। एक बार फिर क्या करेंगे, फिर से 6 महीने बढ़ा देंगे। इस प्रकार से 6 6 माह करके हम बढ़ाते रहेंगे। बताइए यहाँ तक चीज क्लियर हो गई कि 352 में राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में 352 के सेकेंड में बोला गया है राष्ट्रपति समाप्त करेगा, बदलाव कर सकता है। 3 में बोला गया है कि प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से क्या लेगा, सलाह लेगा। और 4 में बोला गया है कि दोनों सदन से पास कराना पड़ेगा विशेष बहुमत के साथ में। और 5 में बोला गया है इसकी समय सीमा क्या रहेगी, इसकी समय सीमा रहने वाली है, क्या समय सीमा इसकी रहने वाली है, 6 महीने। बताइए यहां तक चीज क्लियर हो गई या नहीं? ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब बात करेंगे 352 हो गए, अनुच्छेद 353 की बात करेंगे। अनुच्छेद 353, 353 की यदि हम बात करें, 353 के एक यदि हम बात करें, 353 के ए में बोला गया है, अब बताइए जब इमरजेंसी लग जाती है तो जो राज्य होता है ये थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि भारत में अब एक ही कानून होता है, वो किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। जब केंद्र सरकार का कानून होता है तो राज्य सरकार वहां पर क्या होती है, उसकी पावर कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो यहां पर याद रखेंगे जो संघ होता है यानी कि जो केंद्र होता है, संघ राज्य को क्या करेगा, राज्य को निर्देश देगा, निर्देश देगा, राज्य को निर्देश देगा, क्या देगा, निर्देश देगा, राज्य को निर्देश देगा। यानी कि अब यहां पर जब केंद्र सरकार के पास में सारी शक्तियां आ जाती हैं तो केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य सरकार को डायरेक्शन दिखाती है आपको कैसे कैसे काम करना है। राज्य सरकार खुद से फैसले नहीं लेती है, बल्कि अब उस समय हमारे पूरे देश में केंद्र सरकार का शासन चल रहा होता है तो केंद्र शासन ही क्या करती है, इन्हें डायरेक्शन दिखाती है, क्या करती है, डायरेक्शन दिखाती है। 353 की यदि हम बी की बात करें तो बी में ये कहा गया है, क्या कहा गया है, कि जो एक हमारे पास होती है सूची, सूची बताइए 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, संघ समवर्ती और राज्य सूची। तो इसमें बोला गया है कि जो राज्य सूची होगी, राज्य सूची, तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, पर कानून राज्य बनाएगी, राज्य बना सकती है, राज्य क्या कर सकती है, बना सकती है, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो 353 के ए में बोला गया कि संघ क्या करेगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को डायरेक्शन दिखाएगी। और बी में कहा गया है कि राज्य सूची के अंतर्गत राज्य अपना कानून बना सकती है, ठीक है, कानून बना सकती है। बताइए यहां तक चीजें क्लियर हो गई या नहीं? ठीक है, तो देखिए याद रखेंगे राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो राज्य के पास होता है, किसके पास होता है, राज्य, क्योंकि अनुसूचियां हमारे पास 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है राज्य सूची, एक होती है कौन सी, संघ सूची,
एक होती है समवर्ती सूची, कौन सी समवर्ती। राज्य का मतलब जहां पर राज्य कानून बना सकता है, संघ का मतलब जहां पर केंद्र कानून बना सकता है, समवर्ती का मतलब जहां पर राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं उसको बोलते हैं समवर्ती सूची, याद रहेगा। अच्छा, इसके बाद में जब देश में इमरजेंसी लग जाती है तो जो राज्य सूची होती है इस पर जो कानून बनाने का अधिकार किसके पास था, अधिकार था राज्य सरकार के पास, लेकिन यहां पर क्या करेंगे इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, अब यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा, केंद्र सरकार के पास, किसके पास में केंद्र सरकार, यानी कि अब इस पर सरकार केंद्र सरकार क्या करेगी कानून बनाएगी। बताइए 53A और 53B समझ आया। ए में क्या बताया गया कि जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार को डायरेक्शन दिखाएगी, और बी में बोला गया कि राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, अब यहाँ पर कौन बनाएगा केंद्र सरकार, कब इमरजेंसी के दौरान। या केंद्र सरकार तो हमारे देश की सबसे बड़ी सरकार होती है, इमरजेंसी के दौरान बना सकती है और वैसे कभी भी बना सकती है, केंद्र सरकार सब पर कानून बना सकती है। बताइए यहाँ तक समझ आया। इसके बाद में अनुच्छेद 353 अपना कंप्लीट हो गया, 352 आपको उम्मीद है समझ आया होगा, 353 भी आपको समझ आ गया होगा। बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई या नहीं। अब हम बात करेंगे देखो आर्टिकल तो इसमें सारे हैं लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण ही पढ़ेंगे, जैसे 352 इसमें मोस्टली हमारे पास आर्टिकल 3-4 आर्टिकल महत्वपूर्ण है, 352 महत्वपूर्ण है हमारे लिए, 356 महत्वपूर्ण है, 360 महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद में और एक दो आर्टिकल देख लेंगे। 355 की हम बात करें, 355 में बोला गया अनुच्छेद यानी आर्टिकल 355 में इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन एक बात समझ लेंगे जो महत्वपूर्ण है, मैंने बताया 52, 56, 60 आपको याद रखना है। 355 की बात इसमें बोला गया है केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार के कुछ कर्तव्य दिए गए, क्या कुछ कर्तव्य दिए गए, किस बात के, राज्य को लेकर, राज्य को लेकर कुछ कर्तव्य दिए गए। अब भाई जब क्या होगा इमरजेंसी लग जाएगी, राज्य सरकार की शक्तियां कम हो जाएंगी, केंद्र सरकार की शक्तियां ज्यादा हो जाएंगी, तो राज्य सरकार को सुनिश्चित करने का अधिकार अब किसके पास रहेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कौन समाधान निकालेगा, केंद्र सरकार। तो यहां पर बोला गया है कि केंद्र सरकार के कर्तव्य हैं राज्य सरकार को सुनिश्चित करना, यानी कि इसमें याद रखेंगे राज्य सरकार की क्या करना, हर प्रकार से समस्या, यानी राज्य सरकार की क्या करना, एक तरह से कह सकते हैं कि मदद करना, हर प्रकार की हर चीज़ की समस्या का समाधान करना, यहाँ पर केंद्र के कर्तव्य दिए गए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण एक बार हम फिर से लास्ट में रिवाइज कराएंगे, इसके बाद ये अपना कंप्लीट होगा। अब हमारे पास महत्वपूर्ण आता है, इम्पोर्टेंट आता है, याद रखेंगे ये हमारे लिए क्या होगा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इसमें स्टार बना दिया, 352 में भी स्टार बना लेना। अब बात करेंगे अनुच्छेद किसकी, अनुच्छेद हम बात करेंगे 356 की, किसकी बात करेंगे 356 की बात करेंगे। अनुच्छेद 356 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया, किसके बारे में, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया गया। अब समझेंगे राष्ट्रपति शासन क्या होता है, राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब हमारी राज्य सरकार, कोई भी स्टेट अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहा है, अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है, विफलताएं मिल रही हैं, अपनी सरकार अच्छे से चला नहीं पा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, राज्य
अपने राज्य को अच्छे से चलाने में असमर्थ है। तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल, क्योंकि प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्यपाल होता है, राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति से बोलेगा कि ये जो मुख्यमंत्री है, इनकी जो मंत्री परिषद है, ये सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से राष्ट्रपति से वो क्या करेगा, यहाँ पर कहेगा, और राष्ट्रपति फिर क्या करेगा, राष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देगा। राष्ट्रपति शासन लगने से होता क्या है, राष्ट्रपति शासन लगने से ये होता है कि अब जो राज्य होगा, जो स्टेट होगा, वो किसके अधीन हो जाएगा, याद रखेंगे वो स्टेट हो जाता है केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन चलता है, यानी कि राष्ट्रपति वहाँ पर अपना शासन चलाने लगता है, वो राज्य केंद्र के अधीन हो जाता है। अब राज्य सरकार की शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, यहाँ पर केंद्र सरकार की शक्तियाँ चलती हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, मैंने बताया राज्य सही से काम नहीं कर पा रहा है, समस्याएं आ रही हैं, वहां पर राष्ट्रपति शासन, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहेगा कौन, कौन कहेगा, गवर्नर यानी कि राज्यपाल कहेगा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पता ही यहां तक समझ आया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे, राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे, सबसे पहले कहां लगा था, सबसे पहले आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां लगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है सबसे ज्यादा बार कहां लगा, सबसे ज्यादा कहां लगा, सबसे ज्यादा बार कहां लगा। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहां लगा था, सबसे पहले लगा था पंजाब में, कहां लगा था, पंजाब में, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहां लगा, याद रखेंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, कितनी बार, 10 बार, कितनी बार, 10 बार। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रपति शासन भारत में सबसे पहले किस राज्य में लगा था, तो वो लगा था पंजाब में। सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा, तो लगा था अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। इसके बाद में ये मैंने आपको सिखाई दिया, जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो सारी शक्तियां किसकी लगेंगी, राष्ट्रपति, तो राज्य सरकार का इसमें जो शक्ति होती है छीन हो जाती है, कम हो जाती है। सबसे पहले पंजाब में, सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। राष्ट्रपति शासन ये होता है। तो उम्मीद है अनुच्छेद 356 आपको समझ आ गया होगा। अब चलेंगे हम आगे, अब हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले बताया राष्ट्रीय आपातकाल, फिर मैंने बताया राष्ट्रपति शासन, 2 कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे अगला हमारा आता है कौन सा इमरजेंसी, तो वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 में किसके बारे में बोला गया है, वित्तीय आपातकाल के बारे में बोला गया है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, याद रखेंगे क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। वित्तीय आपातकाल क्या भारत में कभी लगा है, पहला क्वेश्चन आपसे, क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में कभी लगाई गई है या नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए वित्तीय आपातकाल हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा, कभी नहीं लगा, याद रखेंगे ये हमारे देश में कभी नहीं लगा, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लगाई गई, राष्ट्रपति शासन तो लगता ही रहता है, बात करेंगे वित्तीय आपातकाल हमारे देश में कभी भी नहीं लगाया गया, कभी भी नहीं लगाया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया, ऑप्शन में 1 बार 2 बार 3 बार, 1 भी बार नहीं, तो 1 भी बार नहीं लगाया गया, ठीक है। तो ये था अपना अनुच्छेद 356, अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 358-359 की। अनुच्छेद 358 क्या है, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359, अभी एक साथ सारे अनुच्छेद आपको याद करा देंगे, 359 और बात करेंगे अनुच्छेद 361 की तो बात नहीं करनी, क्योंकि मैं सार्थक पढ़ना है और चाहे तो भी बता देंगे, ठीक है। तो देखिए
अनुच्छेद 358 की हम बात करें और 59 की बात करें, तो आपको बता है कि बताइए, एक सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि भारत में जब इमरजेंसी लग जाती है तो सबसे पहले किस आर्टिकल को समाप्त किया जाता है? जब इमरजेंसी लगती है तो सबसे पहले हमारा कौन सा अधिकार छीना जाता है हमसे, आपको पता होना चाहिए। हमारे पास मौलिक अधिकार होते हैं, कहीं घूमने की, रहने की, कहीं भी जगह जमीन खरीदने की, हमें कई प्रकार की हमें क्या दी गई है, मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। बताइए कि जब इमरजेंसी लगती है हमारे देश में तो सबसे पहले हमारा कौन सा मौलिक अधिकार हमसे छीना जाता है, जो कि सबसे जरूरी होता है छीनना? आपने लॉकडाउन के समय सुना होगा कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन एक प्रकार का आपातकालीन था, इमरजेंसी था। बोला गया था काम हो तो बाहर निकलना, अदरवाइज आपको सारी सुविधाएं आपके घर में दी जाएंगी। तो सबसे पहले हमसे कौन सा अधिकार हमारा छीना गया था? हमारा अधिकार छीना गया था आप कहीं घूम नहीं सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप कहीं घूम नहीं सकते हैं, यानी कि आप घर से नहीं निकल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा अधिकार हमसे छीना गया था? वो हमारा छीना गया था घूमने का अधिकार। और घूमने का अधिकार किस आर्टिकल में? याद रखेंगे 19 में। किस अनुच्छेद में? 19 में। तो जब इमरजेंसी हमारे देश में लगती है तो सबसे पहले हमसे कौन सा आर्टिकल छीना जाता है? याद रखेंगे 19। मौलिक अधिकार हमारे पास 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। इनमें से 2 ऐसे आर्टिकल होते हैं जो हमसे कभी नहीं छीने जाते, इमरजेंसी लग जाएगी उसके बाद भी हमसे नहीं छीने जाएंगे। वो कौन से आर्टिकल? याद रखेंगे 20 और 21। सारे आर्टिकल हमसे छीन लिए जाएंगे लेकिन 20 और 21 आर्टिकल हमसे कोई नहीं छीनता। ऐसा क्या है उस आर्टिकल में? उस आर्टिकल में क्या है? प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता, यानी जीने का अधिकार है, और जीने का अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। 3 इमरजेंसी में से कोई इमरजेंसी लग जाए लेकिन हमारे जीने का अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, यानी कि आर्टिकल 20-21 हमसे कभी नहीं छीने जा सकते। सबसे पहला कौन सा छीना जाएगा? 19। इसके बाद में कई सारे छीने जाएंगे लेकिन 20-21 हमसे कभी नहीं छीने जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें हमारे जीने का अधिकार दे रखा। बताइए यहां तक समझ आया? तो देखिए 358 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 19 पहले समाप्त किया जाएगा। अनुच्छेद 19 को समाप्त किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। और 59 भी बोला गया बाकी सभी अनुच्छेद को समाप्त किया जाएगा। और एक आर्टिकल और देख लेंगे, कौन सा? अनुच्छेद 361 भी यहीं पर देख लेते हैं, लगे यहाँ तो इसको भी देख लेंगे। 361 की बात करें, 361 में बोला गया है कि आपसे अनुच्छेद 20 और 21 नहीं छीना जाएगा, 20 और 21 नहीं छीना जाएगा। बताइए यहां तक क्या चीजें क्लियर हो गई? आपसे 20 और 21 नहीं छीना जा सकता, आपसे सबसे पहले क्या छीना जाएगा? 19 समाप्त किया जाएगा, 359 पे सारे कर दिए जाएंगे, बशर्ते छोड़कर किसे? 20 और 21 को। बताइए 58, 358, 59, 61 और 360 में क्या था? वित्तीय आपातकाल था। क्या ये सारी चीजें आपको याद हो गई? अब इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब एक बार हम क्या करेंगे, इसका क्विक रिवीजन करेंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको पूरे आर्टिकल, क्योंकि पॉलिटी के आर्टिकल याद कराने की हमारी जिम्मेदारी, आर्टिकल क्या सब कुछ याद कराएंगे लेकिन आर्टिकल को एक बार विशेष तौर पर सारे आर्टिकल जो महत्वपूर्ण है वो आपको याद कराए जाएंगे। तो आज जितने भी आर्टिकल पढ़े आपको हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ाने वाले हैं, आपको सारे याद करा देंगे। ठीक है, तो देखिए बताइए, सबसे पहले मैंने आपको कौन सा आर्टिकल बताया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था आर्टिकल, हम ऊपर क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, यही पर लिख लेंगे। तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद कौन सा, शुरुआत की थी अनुच्छेद 352 से,
352 बताइए 352 में मैंने आपको क्या सिखाया था, 352 में बताया था राष्ट्रीय आपातकाल, क्या राष्ट्रीय आपातकाल याद रहेगा, राष्ट्रीय आपातकाल जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को हमें क्या करना है याद करना है, राष्ट्रीय आपातकाल इनका डायरेक्ट हमसे अनुच्छेद पूछा जाता है। इसके बाद में 356 की बात करेंगे, अनुच्छेद 356 की भी बात करेंगे, तो 356 में क्या बोला गया है राष्ट्रपति शासन, क्या राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की बात की गई। बस हमें क्या करना है और एक 360 लिख लेते हैं, 359 के बाद में एक अनुच्छेद लिखेंगे 360 में क्या बोला गया है वित्तीय आपातकाल, क्या बोला गया है वित्तीय आपातकाल। बस इतने हमें आर्टिकल एक बार क्या करेंगे अंत में हम रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए शुरुआत करेंगे 352 से, 352 में कौन सा क्या लिखा गया, 352 में बोला गया राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल याद रहेगा, 361 में बोला गया है कि 20 और 21 को आपसे कोई नहीं छीन सकता है, 358 में बोला गया सबसे पहले 19 को छीनेंगे, 359 में बोला गया बाकी सबको छीनेंगे, क्या आर्टिकल याद नहीं हो गए बताइए। अब एक बार हम क्या करेंगे इसे इरेज करके आपसे पूछने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ आर्टिकल मैंने लिख दिया आपको बताना है, ठीक है, पहले 352 क्या है, 356 क्या है, 360 क्या है, 358 में क्या है, 359 में क्या है, 361 में क्या है, इतनी आर्टिकल आपको बताना है। 352 में क्या मैंने बताया राष्ट्रपति शासन, इसमें क्या है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा इसमें, क्या नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में क्या हो जाएगा प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल, 358 में पहले 19 को समाप्त किया जाएगा, 359 में सबको समाप्त किया जाएगा, और 361 की बात करेंगे 20-21 को समाप्त नहीं किया जाएगा, क्या आर्टिकल याद हो गए। तो इस तरीके से आज अपना टॉपिक में पॉलिटी में क्या पढ़ा रहे थे हम आपको पढ़ा रहे थे इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे थे, तो आपातकाल ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप क्या करेंगे कमेंट भी जरूर बताएंगे पॉलिटी की क्लास आपको कैसी लग रही, क्या चीज़ें क्लियर हो रही, क्लियर के साथ में क्या आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे अगली क्लास में आपको अगले चैप्टर के साथ में हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम क्या करेंगे आप अपनी पढ़ाई करेंगे और जो आज मैंने पढ़ाया इससे संबंधित हम कुछ डालेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, कौन सा ग्रुप अपना रहेगा ट्राई स्टार क्लासेस में, तो आपका वहां पर स्वागत है, आप वहां पर आइए, कुछ देने से आपको ये पता चलेगा क्या जो क्लास में पढ़ा वो याद हुआ या नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ में हम क्या करेंगे आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, इसके बाद में मुलाकात होगी अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।